जब आप लास्ट के 4 महीने पढ़ाई कर रहे हो और कभी किसी दिन ऐसे डीमोटिवेट हो गए कि आज जो टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है करके, ठीक है, तो कैसे आप अपने आप को उससे बाहर निकालते थे? आपकी ऑडिट में आपको 93 मार्क्स मिला, राइट? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जो क्लियर नहीं हो पाए, या आपके जूनियर ऐसे बहुत सारे है जो मई 2024 में एग्जाम दे रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आपको पता है, नवंबर 2023 के आज रिजल्ट आए सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल में, और आज मेरे साथ में जो है वो ऑल इंडिया रैंक 1 सीए इंटरमीडिएट के जय झिमुलिया, जो मुंबई से ही रहने वाले हैं, और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया, 691 मार्क्स है वो इन्होंने स्कोर किए। सबसे पहले तो जय, बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। थैंक यू सो मच। कैसे पता चला सुबह के रैंक आई, और उसके बाद का रिएक्शन क्या था पापा का, मम्मी का? ओके, सो आई वाज एट एनएम कॉलेज व्हेन द प्रेसिडेंट्स कॉल्ड कम। ओके, सो व्हेन ही कॉल्ड, ही सेड दैट यू आर सिक्योर्ड ईआर 1, यू हैव स्कोर्ड 691 ऑन 800 एंड कांग्रेचुलेशंस। सो लाइक आई वाज रियली हैप्पी एट दैट पॉइंट। सो देन आई वेंट बैक इन द क्लास एंड आई टोल्ड एवरीबॉडी एंड दे वर वेरी हैप्पी। यस, एंड देन when I returned home, like my father already knew, okay, he had got messages from other places as well. Okay, yeah, so it was a very happy atmosphere. Yeah. Okay, so you were expecting that you will score the rank and that too AR1? Not necessarily AR1, because obviously it's dependent on the relative performance, right? True. How the others are performing and compared to that. So usually I used to set the marks ke target. Like the best case scenario was like 720 marks out of 800. Okay, and the worst case scenario was like 650. And it was like the middle of Very nice. अच्छा जे, like in future जैसे ही CA तो हो ही जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, but CA के बाद क्या करने का सपना है? Okay, so my main interest is in corporate finance, financial management, जो last paper है ना उसमें, so I like the corporate finance valuations, so mostly I might go in investment banking, deal advisory, या I might go in the wealth management portfolio management field, yeah. So जे, जैसा कि आपके मैं marks देख रहा हूँ, इतने प्यारे marks हैं, और स्पेशली इन द टैक्सेशन यू स्कोर द 96 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। सो मैंने जब स्टूडेंट से बोला कि 96 मार्क्स आया, तो किसी स्टूडेंट ने बोला कि इस पे तो दो बच्चे पास हो जाते हैं। सो हाउ यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन? एंड जैसा कि तुमसे बात करके मुझे पता चला कि आउट ऑफ द 8 पेपर 3 सब्जेक्ट आपने सेल्फ स्टडी किया था। सो ऐसा क्यों लगा कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए? एंड सेकेंड क्वेश्चन इज कि लाइक आज की डेट में आप मुंबई में हो, तो मुंबई में बहुत सारी फेस टू फेस क्लासेस भी है, लेकिन आपने जो 5 सब्जेक्ट किए वो पेन ड्राइव गूगल ड्राइव क्लासेस से किया, तो व्हाई यू सेलेक्टेड गूगल ड्राइव क्लासेस ओवर द फेस टू फेस? ओके, सो दिस इज 3-पार्ट क्वेश्चन, राइट? सो आई विल कम टू द फर्स्ट पार्ट, टैक्सेशन। सो मुझे खुद भी एक्सपेक्ट नहीं था कि टैक्सेशन में 96 जितना आएगा, क्योंकि फॉर मी द टैक्सेशन वाज लाइक द लेंथीएस्ट पेपर एंड इट वाज हार्डर देन नॉर्मल आल्सो। ट्रू। द डायरेक्ट टैक्स पर्टिकुलरली टोटल इनकम में 3-3 टाइम कैलकुलेट था, इसलिए तो इवन आई डेंट एक्सपेक्ट 96, बट वॉट आई यूज टू डू, आई यूज टू डू लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, लाइक बोथ फॉर डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत अमेंडमेंट्स आते हैं, लाइक 40 मार्क्स का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो उसमें एटलीस्ट 20-25 मार्क्स फ्रॉम द अमेंडमेंट सेक्शन। ट्रू। सो एवरी टाइम ICAI कम्स अप विद अ स्टैट्यूटरी अपडेट ऑफ अराउंड 50-100 पेजेस, राइट? तो वो बहुत बराबर करके जाना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट वॉज why you selected the pen drive google drive classes over face to face classes? Because in mumbai face to face classes also available. So face to face classes, the main disadvantage I thought of face to face classes is that they don't let you ponder over the question for very long, they just give you the answer directly, they rush with the syllabus, so I didn't want to do that, they spoon feed you the answers at times, so mujhe chahiye tha ki I can pause in the middle, fir main khud sochu uske question ya answer ya topic ke bare mein, us formula जैसे पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम था ना, उसमें आई डेवलप्ड माय ओन मेथड टू रीचेक द आंसर। अच्छा, तो इट वाज लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, सो माय इंटरेस्ट फर्दर इंक्रीज। एंड फेस टू फेस में वैसा होता कि ट्रैवलिंग टाइम तो बचता ही है, पर मेन वही था कि वो एनालिटिकल स्किल डेवलप हो, कि एग्जाम में ज्यादा हेल्पफुल होता है। ट्रू। तो जैसा जय ने बोला कि एनालिटिकल स्किल है वो बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है, जब कोई भी प्रोफेसर आपको क्वेश्चन देता है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैं उसका आंसर चालू करूंगा, उससे पहले आप एटलीस्ट ध्यान रखो कि क्या होना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि इसका आंसर ऐसे बनेगा, और फिर क्या होता है ना, उसमें अगर आपका आंसर सही आता है तो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अगर गलत आता है तो फिर वापस आप ये गलती नहीं करते, याद रह जाता है, याद रह जाता है, वही याद आता है कि उधर ऐसा नहीं करना है। ट्रू।
टैक्सेशन की जो बात कर रहे थे हम लोग, डीटी आपने मेरे से किया, आईडीटी आपने विशाल सर से किया, ये पेपर बहुत वास्ट है, सो हाउ यू मैनेज इन द लास्ट वन एंड हाफ डेज? ओके, इन द लास्ट वन एंड हाफ डेज मेरा भी पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ था. इट वाज लाइक द कैपिटल गेन एंड द पीजीबीपी टॉपिक वो लास्ट हाफ डे का बाकी था, मतलब इन द हाफ डे मॉर्निंग होता है ना उसमें. तो मेनली तो आई रिलाइड ऑन द प्रोविजंस व्हिच आई हैड रिवाइज्ड अर्लियर, एंड द मोर यू रिवाइज you become more fluent at it, तो उतना जल्दी हो जाता है half day revision पे. पर अगेन आई टोल्ड कि जो स्टैट्यूटरी अपडेट आता है ICA का फॉर इनडायरेक्ट टैक्स स्पेशली, वो मैंने जो प्रीवियस डे वन डे मिलता है ना उसमें बहुत बराबर करके गया था, तो उसमें से बहुत आया था. तो गुड, सो टैक्सेशन में जैसे TDS TCS टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है और बच्चों को तो बड़ा डर लगता है, बहुत सारे लोग ऑप्शन में छोड़ के चले जाते हैं, बट मैं ऑलवेज बोलता हूँ उसमें 6 या 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और इजी क्वेश्चन रहते हैं. सो हाउ यू मैनेज द TDS TCS टॉपिक? ओके, सो अगेन द राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इफ यू राइट इट डाउन ट्वाइस रादर देन रीड इट 10 टाइम्स, आई वुड प्रेफर राइटिंग ट्वाइस. ओके, तो वो है. फिर क्वेश्चन आंसर जो कंपाइलर बुकलेट्स दैट आल्सो वेरी हेल्पफुल बिकॉज उसमें RTPs के ही थे, एंड अगेन यू कैन गो फर्दर विद द MTPs एंड द पास्ट पेपर्स, तो उधर ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर इवेंचुअली यू स्टार्ट रिमेंबरिंग लाइक इट्स इनहेरेंट इन यू ओनली, तो इट्स नॉट अ बिग इशू देन लेटर ऑन. ओके, लाइक मेरे को कुछ बच्चों से मैंने क्वेश्चन मांगे थे, उन्होंने क्वेश्चन मुझे पूछे. एक बच्चे ने पूछा कि हाउ यू मैनेज द कॉस्टिंग पेपर. कॉस्टिंग में माई फर्स्ट सजेशन वुड बी कि डोंट ट्रीट एवरीथिंग एज अ फॉर्मूला जो यू हैव टू रिमेंबर रट्टा कर का. वैसे लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इतने सारे फॉर्मूला है, तो आई हैड कम अक्रॉस वन ACCA का आर्टिकल, ACCA वेबसाइट लंदन में, उसमें दे आर गिवन वन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एंड उसकी वजह से आई कुड रिमेंबर everything in one flow only. So, इसलिए you should not remember everything. You should understand the why. मतलब क्यों ये formula, why does it, how does it work. So, that will help you to reduce the memorization part. And obviously, practice तो चाहिए सब सब जगह में. Practical सब numerical है तो. Yeah. One more question जे, जैसे आपने account जो है first group वाला law है and ESM आपने self study किया. तो कैसे किया लॉ जो स्पेशली सब्जेक्ट है, बहुत बार लॉ में ऐसा होता है बच्चों का पेपर के बिगड़ गया, थ्योरी को कैसे मैनेज किया आपने? तो मैंने पर्टिकुलरली ये 3 सब्जेक्ट के लिए नहीं लिया था. फर्स्टली कॉर्पोरेट लॉ एंड EISSM दे आर थ्योरी सब्जेक्ट, सो उसमें आई थिंक द मोर यू सेल्फ स्टडी लाइक कंपनीज एक्ट में तो बेयर एक्ट की पढ़ना चाहिए, तो दैट्स व्हाट माय स्ट्रेटजी वाज फ्रॉम द बिगनिंग ओनली. तो द मोर टाइम्स यू रीड दैट लीगल लैंग्वेज तो मोर ग्रिप आएगा उस पर. Right. Even ESSM, it's a theory subject. So, जितना module and ICA study material से पढ़ोगे उतना ही better. Good. अच्छा, last के कितने month के लिए आपने जो classes complete होने के बाद आपने कितना time दिया self study के लिए? Okay, so I reserved like last 4 to 5 months around for classes, for self study in the end. Like last 4 to 5 months for self study, and उसमें I was add compiled की RTPs, MTPs और past papers of ICA from 2018 till 2022. मैं सारे कर नहीं पाया था, पर जितने हुए maximum उतना try करना चाहिए. But original attempt जो आपका था that was May 2023. But you skip that attempt. Yeah. Why? Okay, so firstly तो I had regular college to attend. Like you have to maintain the attendance in at NM college and and again I cannot prepare in a rushed manner ki aise ek chapter ek din mein ya waise, matlab I want to explore more into the topic kaise aata hai formula kya waise, to I didn't want to rush the preparation. Okay, that's why. To inhone kya kiya ki inko inka exam tha wo may mein tha, but due to the college, because NM college hai Mumbai mein aur wahan pe chuttiyan allow nahi hai और कॉलेज जाना रहता है, और उसके बाद में उन्होंने ये नवंबर एग्जाम दिया और उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर किया और 5 मंथ का उन्होंने प्रॉपर रिवीजन किया. तो मेनी टाइम जब आपके पास में ऐसा है कि लाइक टाइम कम है, तो यू कैन प्लान इन सच अ वे आल्सो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद AR1 ला सकते हो. मैंने जब अर्जुन मेहरा का इंटरव्यू लिया था, उसने भी वैसे ही किया था, बिकॉज उसका भी कॉलेज था एंड कॉलेज था तो उसकी वजह से उसने भी एग्जाम पोस्टपोन किया. ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर टेकिंग 6 मंथ्स एक्स्ट्रा तो यू स्टार्ट रिलैक्सिंग, यू बिकम कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी एकदम सीरियस फ्रॉम डे 1. एंड लाइक फाउंडेशन का एग्जाम जो इकोनॉमिक्स का लास्ट पेपर होता है, उस दिन में से ही मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा कोर्स है, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट. एग्जैक्टली, सो लाइक जे ऐसी कोई चीजें जो आपको लगता है कि यार रैंक लाने के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इफ यू फॉलो दिस रूल यू कैन स्कोर द गुड मार्क्स. ओके, तो फर्स्टली तो आई थिंक हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी, दैट शुड नॉट बी टोल्ड ऑन स्पेसिफिकली सेपरेटली, मतलब इट्स ऑब्वियसली इट्स अनसेड रूल कि यू शुड बी दैट. True. Like every course requires that. अगर IIT जाओ या किधर भी foreign university जाओ, वहाँ it's rigorous. So even over here it's no exception. So hard work and consistency is obviously important.
फिर जो पेंड्रा क्लासेस है लाइक पीपल वॉच इट एज इट्स अ मूवी और समथिंग लाइक दैट, 2x स्पीड पर देखते हैं और सो आई डोंट लाइक दैट एट ऑल. मैक्सिमम आई हैव बीन लाइक 1.25 जब आई ऑलरेडी सॉल्व द क्वेश्चन एडवांस एंड आई जस्ट वांट टू क्रॉस वेरीफाई द आंसर. सो दैट इज द ओनली पॉइंट. सो यू शुड नॉट लाइक फास्ट फॉरवर्ड एनीथिंग बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग ऑल. सो एंड इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर इंट्रोड्यूसिंग ऑल दिस न्यू सब्जेक्ट्स लाइक कॉस्टिंग, टैक्सेशन, सब नया है ना, तो इतना स्किप क्यों करना है, मतलब फास्ट फॉरवर्ड क्यों करना है. हाँ, कहाँ जाना है फास्ट फॉरवर्ड करके. हाँ, वही तो. आराम से देखो. हाँ, बुलेट ट्रेन थोड़ी है कि ऐसे ही स्किप करते जाओ. ट्रू. एंड लाइक कितने घंटे दिन में पढ़ाई हो जाती थी इफेक्टिवली? ओके, सो आई हैड टू गो टू एनएम कॉलेज फर्स्ट, राइट? पर उसमें आल्सो सम ऑफ द फैकल्टीज आर वेरी नाइस, लाइक मेनी ऑफ द सब्जेक्ट्स आर सेम एज वेल. एंड वो लोग आपको सेल्फ स्टडी भी करने देते थे अगर दे न्यू के यू आर सीरियस एंड ऑल. ट्रू. तो उधर चार घंटे की पढ़ाई हो जाती थी. फिर एट होम आई यूज्ड टू डू मोर 7 to 8 hours, सो अप्रोक्सीमेटली 12 hours ऑन एवरेज. सो कॉलेज में जो पढ़ाई होती थी चार घंटे, वो कॉलेज की ही होती थी या सिमिलर सब्जेक्ट? मतलब अगर वहाँ भी एफएम चल रहा है तो आई टेक द एफएम का आरटीपीज एंड एमटीपीज ओवर देयर टू सॉल्व. एंड उधर ही उतना ही इफेक्टिवली होता क्योंकि डिस्कशन भी उसी पर चल रहा है, तो उतना हैम्पर नहीं होता एफिशिएंसी में. True. तो दिन में 10-11 घंटे पढ़ाई हो जाती थी. एंड लास्ट के लास्ट टाइम में तो लास्ट टाइम आई थिंक इट्स टू एक्सटेंड टिल 15 आवर 16 आवर मेबी. ओके, एक बार तो 19 आवर भी हो गया था, पर देन इट वाज लाइक ऑन द नेक्स्ट डे आई रेस्टेड मोर, तो ऑन एवरेज इट इज लाइक 14-15 आवर इन द एंड. ओके, कभी ऐसा मन नहीं करता था लाइक कहीं घूमने चले जाओ या मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर लो, जैसे आजकल इंटर के बच्चे होते हैं. सो ये जो एज होती है उसमें हर किसी का ये मन करता है कि चलो यार घूमने चले जाए, फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने चले जाए, पार्टी कर ले या मोबाइल ज्यादा यूज कर ले, ऐसा कभी हुआ? मतलब देन यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ ना कि व्हाट इज योर प्रायोरिटीज. मतलब अगर आपको 8 to 9 या 12 मंथ्स तक इतना ही है तो उसके बाद तो फ्रीडम ही है. मतलब 3 महीने अभी तो फ्री था, मतलब तो ऐसा नहीं है कि एंटरटेनमेंट कैन स्टॉप एंटायरली. यू कैन डिवोट हाफ एन आवर, 1 hour, जो भी है नॉर्मल टाइम. उसके अलावा पर यू शुड कीप इट इन द लिमिट, लाइक अ कंट्रोल. राइट. अच्छा, कभी जे ऐसा हुआ कि लाइक जब आप लास्ट के 4 महीने पढ़ाई कर रहे हो और कभी किसी दिन ऐसे डीमोटिवेट हो गए कि आज जो टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है करके, ठीक है, तो कैसे उसको, अगर हुए या नहीं हुए पहली चीज तो ये, एंड दूसरी चीज अगर आप होते थे तो कैसे आप अपने आप को उससे बाहर निकालते थे? ओके, तो ये तो बहुत बार हुआ है कि लाइक इन सेप्टेम्बर तो आई वाज एकदम बर्नड आउट और समथिंग. सो उसमें द ओनली सॉल्यूशन इज आइदर यू सेट वेरी रियलिस्टिक गोल्स, पर होता नहीं क्योंकि हमको ऑब्वियसली ज्यादा अचीव करना होता है. राइट. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एडजस्ट योर फ्यूचर प्लान. सो आई यूज्ड टू मेक वीकली प्लान्स. आई डिडंट यूज्ड टू डू द डेली आवरली बिजनेस प्लानिंग बिकॉज उसमें बहुत एक्यूरेसी चाहिए होता है. रादर जो वीकली होता है वो बैलेंस हो जाता है. अगर एक दिन थोड़ा कम हो तो उसे नेक्स्ट डे ज्यादा कर लेंगे वैसे. So I used to set the weekly plans and if it was not achieved then I used to readjust the future ke thoda zyada karna thoda kam ho gaya kam to tha nahi zyada hi. Right. Good. Aur jaisa mujhe pata chala aapke papa bhi CA hai, mummy bhi CA hai, to unka kya role raha aapki preparation ko leke? Okay, so they had a very big role obviously. To pehle to it was like the good equipment and the good atmosphere which is created in the home. So like I had a very good laptop to view the lecture classes from and all. Fair, even the support which I got, like whenever I had any query in direct tax, I used to ask my father because he's a practicing CA. He knows everything about the TDS, yeah, capital gain income. Great. That helped a lot. Right. उसके बाद में जो अपन बात कर रहे थे like social media. Okay. Instagram पे आप नहीं हो, right? नहीं, I'm not on Instagram, I'm not on Facebook, I'm not on Twitter as well. I'm only on LinkedIn for the job updates or also and. Telegram for the CA exam related updates and WhatsApp group for the college ka notifications. अच्छा, so like ऐसा कभी हुआ कि कॉलेज की वजह से तुम्हारी स्टडी हैम्पर हो रही है? जैसा मुझे पता चला कि अभी तुम्हारे कॉलेज के भी एग्जाम थे. हाँ, और उसके एग्जैक्टली बाद आपके सी ए के एग्जाम थे. हाँ, तो इट वॉज लाइक 16 October से 31 October मेरी कॉलेज की सेमेस्टर एग्जाम्स थी और उसके बाद 2 November से इमीडिएट चालू हुआ सी ए ग्रुप 1 एंड देन टिल 17 November. सो इट वाज लाइक 30 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ एग्जाम्स. पर जो सब्जेक्ट्स थे ना एन एम कॉलेज में वो बहुत सिमिलर थे. लाइक 7 सब्जेक्ट थे उसमें तो 6 सब्जेक्ट सेम टू सेम ही थे. ऑडिट था, एफएम था, कॉर्पोरेट लॉ था. तो हैम्पर तो नहीं हुआ वैसे, उल्टा एक सिनर्जी हो गया, लाइक डबल रिविजन हो गया. जितना आई वुडंट हैव बीन एबल टू डू इन दैट लास्ट 15 days सो मच इफ देयर वाज नो एग्जाम, बिकॉज वो एग्जाम का स्ट्रेस रहता है. तो अगर ऑडिट का पेपर था उधर सिलेबस थोड़ा कम था, पर आई यूज्ड टू डू द इंटर सीए ओनली फुल सिलेबस एज मच एज पॉसिबल. तो
ज्यादा हेल्प होगा. राइट, ओके. सो ऑडिट की जैसे आपने बात की, ऑडिट में आपको 93 मार्क्स मिला, राइट? 97 ऑडिट इज लाइक बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज़ वो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें 93 स्कोर करना बहुत बड़ी बात है. आपने कैसे उसको प्रिपेयर किया और लास्ट डे तक कैसे रिमेंबर किया? बिकॉज बहुत सारी चीजें रहती है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट्स है, ये है, वो है, और उसमें इतना अच्छे से लिखना, तो कैसे आपने प्रैक्टिस किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये मुझे पूछा कि ऑडिट को कैसे प्रिपेयर करें. ओके, तो ऑडिट इज लाइक यू नीड टू नो द टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज. सो उसमें स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, तो आई यूज टू रेफर द ICM मटेरियल एज वेल एज दोस वेयर प्रोनाउंसमेंट आते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के. बहुत लोग बोलते हैं कि इग्नोर कर दो, मतलब मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड है, पर इफ यू लुक एट दैट बेयर स्टैंडर्ड यू विल फाइंड आउट हाउ इट्स फ्लोइंग थ्रू लाइक द गोइंग कंसर्न स्टैंडर्ड एंड देन अदर स्टैंडर्ड्स एज वेल. सो फर्स्टली तो यू शुड रेफर बोथ ऑफ देम अकॉर्डिंग टू मी, लाइक डोंट रीड एवरी लाइन ऑफ इट, बट एटलीस्ट सी हाउ इट्स फ्लोइंग थ्रू द स्टैंडर्ड. फिर राइटिंग प्रैक्टिस ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, मतलब आई हैड मेड 400 पेजेस नोट्स ऑन auditing. Oh. And then बहुत लंबा हो गया था ना, तो I then summarized it into 50 pages. So 50 pages में like very tiny handwriting में 50% of the syllabus was complete, like all the standards. So if you write so much, automatically थोड़ा बहुत तो याद रह ही जाता है. And फिर there are lots of bullet points in auditing. So many people say mnemonics बना लो फिर याद कर लो, पर मुझे mnemonics इतने पसंद नहीं थे कि कितने mnemonics याद करो, mnemonics के mnemonics बना पड़ेंगे, इतने सारे mnemonics बन जाएंगे. तो what I did, I used to group the similar points together. तो there was like materiality पे you can group 2-3 points together. The audit risk, risk of material misstatement. Accordingly you can find out the linkages. तो वो logical connection बनता है ना, तो it's much more easier to recall in the exam as well. True. Good. जय जैसे ये एग्जाम हुआ, एग्जाम में रिजल्ट रहा अप्रोक्स 9-10% फॉर द बोथ ग्रुप. बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो क्लियर नहीं हो पाए, या आपके जूनियर ऐसे बहुत सारे हैं जो मई 2024 में एग्जाम दे रहे हैं एंड वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो एडमायर करते हैं. आप उनको क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? ओके, सो फर्स्टली तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डू हार्ड वर्क. उसके साथ इफ यू हैव अ गुड स्टडी ग्रुप, बट इट शुड बी लाइक की दे आर ऑफ अ सिमिलर इंटेलेक्चुअल स्किल, सिमिलर एनालिटिकल स्किल एंड सिमिलर मोटिवेशन. तो अगर ऐसा ग्रुप मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना आई थिंक सेल्फ स्टडी इज बेटर. एंड इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स तो अब 6 सब्जेक्ट ही हो गए, तो बेटर ही हो गया है, तो वैसे तो अच्छा ही है. राइट, सो थैंक्स अलॉट जय, और आपको बहुत बहुत बधाई हो अगेन. एंड उसके साथ साथ में आप CA फाइनल में भी ऑल इंडिया रैंक 1 लाओ. मैं प्रेशर नहीं डालना चाहूंगा, बट ट्राई योर बेस्ट, और मुझे पता है कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. अभी मैं आपको मिलवाना चाहूंगा जय के फादर से, और जय के फादर जी जो है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. उनको आज कैसा लगा, क्या लगा, उनको मैं मिलवाता हूँ. यस, तो मेरे साथ है देवांग जी, जय के फादर जी. तो सर जी, आपको जब सुबह पता चला कि जय की रैंक आई, और कैसा माहौल था घर का? यस, एंड सर आपने एक्सपेक्ट किया था कि ही विल स्कोर द ऑल इंडिया रैंक 1? आई वुड हैड एक्सपेक्टेड अ रैंक बट नॉट 1. Right. But it's all due to his hard work and efforts. He went all the way there. Yes, sir. जैसे आप भी अपने time पे CA में rank कर रहे हैं, intermediate and final दोनों level पे. तो sir, like आप क्या चाहते हैं जैसे? I have left the entire decision to him. Whatever he wants to do, he can pursue on his own. There is no force from my side. We are always there as a backing. We already have a practice. If he wants to join, he's welcome. If he wants his own choice, he's welcome. Right. No force on it. Great, sir. Great. Yes. तो लाइक मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बिकॉज लाइक आपके सुपुत्र ने ऑल इंडिया में रैंक लाना और रैंक 1 लाना वो बहुत बड़ी बात होती है सर. आपका ये आपकी मेहनत है, आपका हार्डवर्क है, जय का हार्डवर्क है. मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ. आपकी लाइफ को कैसे जीना है वो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो, और कोई डिसाइड नहीं कर सकता. तो जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं मई 2024 में, आप कुछ ना कुछ सीखे, और जैसा जय ने बोला हार्डवर्किंग, बिकॉज बिना हार्डवर्क के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता. और जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी बोलने में बहुत ईजी है बट उसको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है करके, ठीक है? आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहे, बिकॉज ये ऐसा कोर्स है जिसमें आप जब 4-5 महीने एक जगह बैठ के 12-13 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं, तब आपको जो डिजायर रिजल्ट है वो आपको मिलता है. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन मई 2024 वालों के लिए. एंड जय के फादर जी, आपको बहुत बहुत बधाई वंस अगेन. थैंक यू. जस्ट ऐड समथिंग टू दैट. Yes, there is no shortcut to success. Yes, sir. There is no shortcut to success. Your hard work is the only way out. Yes, हमारे यहाँ पे हिंदी में लिखा होता है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है. विकल्प नहीं है. Because और सर मैं बताऊँ ना, many time
हार्डवर्किंग स्टूडेंट जो होता है वो टैलेंट को बीट कर देता है. बिकॉज एक लाइन है कि हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड. सो आप टैलेंटेड हो तो भी आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा. बिकॉज बिना हार्डवर्क के कुछ भी नहीं मिलता है. थैंक्स अलॉट पीपल एंड थैंक्स अलॉट टू जय एंड दिवांग. थैंक यू सर.